हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक और फिर से स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी मूवी, किसी भी सॉफ्टवेयर, वीडियो, किसी भी टाइप की फाइल को बिना इंडिया में लॉन्च हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है जो दुबई वगैरह सऊदी टाइप के जो एरिया है वहाँ पर जो इंडियन मूवीज़ होती है, बॉलीवुड मूवी, वो भी इंडिया से एक दिन पहले वहाँ पर लॉन्च हो जाती है, या फिर कोई हॉलीवुड मूवी है तो अगर वहाँ पर पहले लॉन्च हो चुकी है, अगर हमें चाहिए तो हम डाउनलोड कर सकते हैं उसे। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको टॉरेंट के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। टॉरेंट का नाम अगर आप इंटरनेट पे हो तो आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ये क्या चीज़ है। और हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, मतलब किस किस सॉफ्टवेयर का अगर हम अच्छे से यूज़ लें तो हम टॉरेंट को सही से यूज़ ले सकते हैं। मैं आपको बहुत से डिफरेंट सॉफ्टवेयर बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, लिंक भी मैं आपको उन सभी की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जो सॉफ्टवेयर काम में लेना चाहे उस सॉफ्टवेयर को, वेबसाइट को काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें मतलब किस टाइप की टॉरेंट पर वीडियोस किस टाइप की अवेलेबल होती है, किस टाइप की, तो मतलब जो भी कंटेंट अभी दुनिया के अंदर अवेलेबल है, अगर कोई यूट्यूब वीडियो है, कोई मूवी है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, अगर कोई विंडो का है सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई विंडो का ओएस है या फिर एंड्रॉयड का ओएस है, मतलब किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर, किसी भी टाइप की कोई फाइल जो वर्ल्ड में कहीं पर भी अवेलेबल है, वो हमें टॉरेंट पर अवेलेबल मिल जाती है। तो टॉरेंट मतलब जो फाइल्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी तक का माना गया है। अब टॉरेंट की एक छोटी सी हिस्ट्री की बात करूँ तो टॉरेंट को इंडिया में बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसका मतलब बहुत बड़े घाटे देखे गए थे। मतलब जो इंडिया में अगर कोई मूवी लॉन्च होती थी तो लोग मतलब उसे थिएटर में देखने नहीं जाते थे, टॉरेंट से डाउनलोड करके घर पे बैठे देख लेते थे फुल एचडी में, तो उसे इंडिया में बैन कर दिया गया। तो इसके लिए मैं आपको पूरी वीडियो में आगे बता दूंगा आप इसे कैसे वीपीएन के थ्रू यूज़ ले सकते हैं। बहुत ही ईजीली प्रोसेस है इसे वीपीएन के थ्रू यूज़ लेना। वैसे इंडिया में बैन कर दिया गया और बहुत से लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि इसमें 3 साल की जेल, 3 लाख का जुर्माना वगैरह होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसका अगर सही यूज़ लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की जनता बहुत ज़्यादा है कि किस किस को पकड़ के जेल में डालेंगे, ऐसा मतलब होता है, ठीक है ना। अगर आप इसका सही अच्छे से यूज़ लेंगे, अगर आप इसका गलत तरीके से यूज़ लेते हैं, मतलब सारा कुछ कंटेंट डाउनलोड कर लेते हैं, वायरल करना शुरू कर देते हैं, सब ये फिर गलत साबित हो सकता है हम सभी के लिए और उन कंपनीज़ के लिए भी जो गेम को डिज़ाइन करते हैं। तो हमें गेम परचेज ही करने चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो टॉरेंट कैसे काम करता है, तो मेरे पास GTA 5 पड़ा है, मैंने परचेज कर लिया, ओके दोस्तों, तो मेरे पास जो GTA 5 की मतलब पूरी फाइल पड़ी है, तो मैं उस पूरी फाइल को अगर एक वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूँगा तो GTA वाले जो है, जो डेवलपर है, अगर वो उसे उस वेबसाइट को देख लेंगे तो उसके बाद में वो उस वेबसाइट को मतलब सर्वर को बंद करवा सकते हैं। पर जो टॉरेंट होता है वो कैसे काम करता है दोस्तों, अब जो वेबसाइट होती है वो तो ऐसे काम करती है, मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा, जो भी आता है वहाँ से डाउनलोड करके जा सकता है डायरेक्ट डाउनलोड। टॉरेंट ऐसे कुछ काम नहीं करता। अगर वो GTA 5 की मेरी फाइल अगर 10 GB की है तो टॉरेंट में जो उसकी फाइल कन्वर्ट होगी वो हो सकती है 500 KB की कन्वर्ट हो या फिर 1 MB की कन्वर्ट हो, कुछ छोटी एकदम फाइल कन्वर्ट हो जाती है, और उसका कुछ मतलब सेटअप भी नहीं कह सकते हम, एकदम छोटा सा कुछ पार्ट वहाँ पर टॉरेंट पर अपलोड हो जाता है, जो कोई अगर GTA वाला अगर देखता है तो उसे भी जो समझ नहीं पाता, ओके। तो जो टॉरेंट की वेबसाइट होती है उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद में अगर किसी को डाउनलोड करना होता है तो पहले वो टॉरेंट की उस फाइल को डाउनलोड करता है, उसके बाद में उस फाइल के थ्रू वो मेरे सर्वर तक पहुँचता है, और रियल टाइम मेरे सर्वर से अब वहाँ पर अपलोडिंग होगी और उसके सर्वर पर वहाँ पर डाउनलोडिंग होगी। रियल टाइम हमें वहाँ पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों एक साथ में देखने को मिलेगी। अगर उस टाइम मैंने अपना नेट बंद कर दिया तो जो डाउनलोड कर रहा है उसका नेट भी मतलब उसको भी मतलब जो स्पीड है वो कम देखने को मिलेगी या फिर नेट ही बंद हो जाएगा। तो इसमें टॉरेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हम काम में ले सकते हैं, और बहुत सी ऐसी बड़ी कंपनियां जो अपने फ़ोन में, अपने डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट देने के लिए अभी टॉरेंट का यूज़ लेती है। इंडिया में ऐसी अभी कोई कंपनी नहीं है, पर ऐसे कंपनीज बाहर है तो टॉरेंट का यूज़ लेती है, क्योंकि टॉरेंट का अगर सही से यूज़ ले तो बहुत ही तगड़ी चीज़ हो सकती है। क्योंकि टॉरेंट का अगर उसके बाद में अगर मेरे पास कोई मेरे पास GTA 5 है और मेरे दोस्त के पास भी GTA 5 है, तो दोनों अपने जो सर्वर है उस वहाँ से दोनों रियल टाइम अपलोड कर सकते हैं और एक बंदा डाउनलोड कर सकता है, तो हम लोग सोच सकते हैं जो अपलोड की जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है सीडर्स और एक होता है लीचर्स। सीडर्स वो लोग होते हैं जो अपलोड कर रहे होते हैं, और लीचर्स वो होते हैं जो ओनली डाउनलोड कर रहे होते हैं ऐसे, और अगर आप चाहें तो डाउनलोड करने के साथ साथ भी अपलोड कर सकते हैं, तो ऐसा सब कुछ हमें देखने में मिलता है। तो इसके ऊपर हम पूरी वीडियो में आगे समझते हैं ये सब कुछ क्या होता है, और टॉरेंट से हम जो मूवी, सॉफ्टवेयर, पायरेटेड, जब जो भी कुछ डाउनलोड करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं, जितना आपकी थिंकिंग में मतलब जो फोटो सब सब कुछ हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं ये सब कुछ कैसे वर्क करता है एकदम अच्छे से। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके आ चुका हूँ, और अब हम देखते हैं टॉरेंट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको कोई एक जो टॉरेंट की बेसिक वेबसाइट है उसे ओपन करके कुछ ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। तो हम लोगों को ये जो टॉरेंट की सबसे बेसिक वेबसाइट है, मतलब जहाँ पर हमने अपने को सारा टॉरेंट का कंटेंट देखने को मिल जाता है जितना भी अवेलेबल है,
मैंने आप सबको जितना भी अभी बताया, तो यहाँ पर हमें टाइप करना है KAT.ST, ये हम याद कर लेंगे तो अच्छे से टाइप कर करके फिर यूज़ ले सकते हैं। जैसे ही हम अपने इंडिया के सर्वर से इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस को देख लीजिए यार, मतलब ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और अगर मैं सेम चीज़ को आपको मतलब विद VPN ओपन करने के दिखाता हूँ, VPN के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक वीडियो VPN के ऊपर ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा दोस्तों, थोड़ा टाइम हो गया उस वीडियो को बनाए हुए, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई कार्ड में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने होला VPN काम में लेता हूँ, तो आपको होला VPN ओपन करना है। इसमें आपने को क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, US की लोकेशन सेलेक्ट करके फिर इसे ओपन कर लेना है। ये प्रोसेसिंग में 1 या 2 सेकंड लेगा हाईएस्ट, इसके बाद में ये जब ओपन हो जाएगा तो उसके बाद में हम अगर बाद में अगर किसी भी टोरेंट की वेबसाइट को यूज़ लेंगे तो उसके बाद में हमें एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड फ्री फॉर यू डॉट क्लब, ये भी एक टोरेंट वेबसाइट है, इसमें भी हमें टोरेंट में HD मूवीज अवेलेबल हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ सेम वही वेबसाइट जो मैंने पहले खोलने की कोशिश की थी, KAT.ST, ओके दोस्तों, तो ये वेबसाइट भी अब देखते हैं शायद ओपन हो जानी चाहिए क्योंकि मैं इस वेबसाइट को भी चलाता हूँ, तो ये ओपन हो जाती है। अब जब हम VPN प्रॉक्सी को यूज़ लेते हैं तो दोस्तों, जो मिशन इम्पॉसिबल मूवी है जो अभी कुछ दिनों पहले आई है, ये मूवी भी यहाँ पर आ चुकी है इस वेबसाइट के ऊपर। अगर हम किसी मूवी को रैंडमली अगर सर्च करके देखना चाहें तो वो हमें ऐसे मिल जाएगी, मतलब जो जो मूवी हमें जो अभी लेटेस्ट में आई है वो, अगर हमें मूवी चाहिए या फिर कोई पुरानी मूवी चाहिए तो वो हम यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों ये तो बात मूवीज़ की, और अगर मैं आपको बताऊँ तो और भी हमें कंटेंट इसमें देखने को मिल जाएगा टॉरेंट के थ्रू। तो इसमें हम जो भी मूवीज़ ये मूवी इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, ये तो पूरा ओपन हो जाएगा तब। और दोस्तों तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है डाउनलोड लिंक और एक मिलता है टॉरेंट ऑप्शन का। टॉरेंट का जो ऑप्शन मिलता है तो इसी पर हमें क्लिक करना है, टॉरेंट के ऑप्शन पर। ये दोस्तों टॉरेंट की जितनी भी वेबसाइट होगी हमें वहाँ पे ऐड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी टॉरेंट सेव डॉट विन लिखा हुआ आ जाएगा, ये वेबसाइट है, मतलब यहाँ से हमें जो ये 14 KB की जो डाउनलोड लिंक है वो यहाँ पे मिल जाएगी। हम यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके फिर उसे किसी अपने टॉरेंट के ऐप में या फिर टॉरेंट के ब्राउज़र में यूज़ ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे यहाँ से मैगनेट लिंक करके भी अगर हम ओपन करने की कोशिश करें, तो हमारे सामने दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यू टोरेंट और फ्लड टोरेंट। दोस्तों इन दोनों के बारे में आपको बता दूं, हमारे पास प्ले स्टोर पर बहुत से, जैसे हम टोरेंट लिख के सर्च करेंगे तो बहुत से ऐप्स हमारे सामने आ जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर प्ले स्टोर पर लाखों की तादाद में ऐसे ऐप्स अवेलेबल हो, पर आपके प्रॉक्स जो प्राइवेसी है उसके रीज़न के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊँ तो आप कुछ लिमिटेड ऐप्स से उन्हें ही यूज़ लो। आप बिट टोरेंट यूज़ ले सकते हो, आप यू टोरेंट यूज़ ले सकते हो, मैं आपको यही ऐप रिकमेंड करूँगा अगर आप मेरी चॉइस है। अगर आप मेरी जो मैं अगर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो सही रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप मानते हो तो इन्हीं आपको यूज़ लो। बिट टोरेंट काम में ले सकते हो, यू टोरेंट काम में ले सकते हो, और आप फ्लड टोरेंट भी काम में ले सकते हो। मैं ज़्यादातर फ्लड टोरेंट को काम में लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्मूथ है काम करने में। तो मैगनेट लिंक का जब अपन करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगी, ये तो ऐड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारे सामने ये जो ऑप्शन आ जाएगा फ्लड टोरेंट का, तो फ्लड टोरेंट पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और उसके अंदर हमें ये पे ओके करके प्लस कर देना है। प्लस करते ही हमारे पास सामने जो टॉरेंट है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, हम यहाँ से मूवी को सीधा ही डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार इसे पॉज कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पे कितने सीडर्स और लीचर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 150 सीडर्स एंड 210 लीचर्स अवेलेबल है, ये सब कुछ हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम मैनुअली जो अपनी अपलोड स्पीड अभी मेरी वो है 0.9 KBPS, उसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और ये 1.4 GB की फाइल है, अगर नेटवर्क की स्पीड अच्छी रही तो अच्छे से डाउनलोड हो जाएगी। और रियलिटी में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी अच्छा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है अगर सही से वेबसाइट वगैरह काम कर जाती है तो। ओके दोस्तों, जो अगली जो चीज़ है वहाँ से हम किसी भी सॉफ्टवेयर, गेम, मूवी, TV शो, वेब सीरीज, ब्राउजिंग, मतलब किसी भी कोई भी कंटेंट हमें चाहिए, यूट्यूब वीडियो तक भी, तो हम यहाँ से डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम किसी भी वेब सीरीज़ की भी बात करें तो जो हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है वो है, हाँ, बायोपिक है सनी लियोन की एक, वो लॉन्च हुई है, तो हम उसे अगर सर्च करते हैं, सॉरी दोस्तों, तो उसे हम सर्च करते हैं तो वो भी हमें शायद यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यार इसमें मतलब नेटफ्लिक्स का कंटेंट है, जी का कंटेंट है,
या फिर अमेजोन प्राइम का कंटेंट है, अमेजोन प्राइम का कोई मूवी आती है तो वो सब सेम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे यहाँ पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी। तो ये जो ऑप्शन है इसमें देखो हमें 3.4 GB की एक फाइल में देखने को मिलती है, एक 2.3 GB की फाइल देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो फाइल है अब इसमें चूज़ कर सकते हैं हमें कौन सी फाइल चाहिए। अगर हमारे पास थोड़ा सा पेशेंस रखने का टाइम, हम पेशेंस रख सकते हैं तो हमें 3.4 GB वाली फाइल डाउनलोड करनी चाहिए। अगर हमें क्लैरिटी कोई किसी कैसी भी क्लैरिटी मिले पर जल्दी चाहिए तो इसमें सीडर्स हमें ज़्यादा मिलते हैं जो 2.3 GB वाली फाइल है तो हमें उसे डाउनलोड करना चाहिए। तो ऐसा हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर हम इसे डाउनलोड करना चाहें तो हमारे सामने जो देखो ये जो फाइल आ रही है इसके ऊपर हमें डायरेक्टली क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये जो फाइल ओपन हो जाएगी इसमें डाउनलोड टोरेंट का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड टोरेंट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये एक जो लिंक सॉर्टर वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और ये यहाँ पर हमें कुछ एड्स देखने को मिलेंगे जो कि ऐसी वेबसाइट्स में हमें बहुत देखने को मिलते हैं। सहन करने पड़ेंगे दोस्तों हमें इन एड्स को। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबोट उस पर हमें राइट कर देना है, ये थोड़ा सा जो कैप्चा मैच होगा। इसके बाद में हमारे पास ये जो ओके हम सब अब हम सबमिट कर देते हैं। तो उसके बाद में कुछ थोड़े से ऐड हमें देखने को मिलेंगे। ओके प्रिपेयरिंग एवरीथिंग मतलब ये 5 सेकंड का टाइम लेगा। ओके दोस्तों अब हमें कंटिन्यू कर देना है, फिर से कंटिन्यू। दोस्तों हमें यहाँ पर किसी भी ऐड वगैरह पे कुछ से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। बस दो तीन बार जो एक कंटिन्यू कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा उसे क्लिक करते रहना है ताकि हमारा काम थोड़ा सा फटाफट हो जाए। ओके लास्ट आ चुका है दोस्तों, योर लिंक इज रेडी गेट रियल लिंक। इस पर क्लिक करती है अब दोस्तों हमारे पास दो तीन ऑप्शन आ चुके हैं, फ्लड टोरेंट, यू टोरेंट, बिट टोरेंट। तो अब मैं दोस्तों आप लोगों को बिट टोरेंट का कुछ इंटरफेस दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ओके तो ये फर्स्ट टाइम मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये ऐसा कुछ मुझे पूछेगा। और ये करणजीत कौर ये स्टार्ट हो चुकी है डाउनलोडिंग। ओके दोस्तों 1% डाउनलोडिंग भी हो चुकी है। फर्स्ट में ये देखो हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट फाइल्स देखने को मिलती है, इसमें अलग अलग इसमें ये अलग अलग फाइल्स हमें देखने को मिलती है। ओके तो इसमें इसे हम एक्चुअली अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें और भी ऐप मिलते हैं, अगर मैं आपको ये ऐप रिकमेंड करूँगा। और अब हम यहाँ पे कोई मतलब ये जो KTA अब हम यहाँ पे देखें तो हमें मतलब जो अभी एक नई वेब सीरीज आई है सीक्रेट गेम्स वाली वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी मतलब जितने भी अगर हम GTA 5 की बात करते हैं मैं आपको तो GTA 5 भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको GTA 5 दिखा देता हूँ जो कि आप गेम्स वगैरह अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, आपको जो डेस्कटॉप का PUBG चाहिए या फिर आपको किसी भी टाइप का कोई ऐप चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको GTA 5 भी देखने को मिल जाता है। इसे भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों एक ये 32 GB की ये 32 GB की फाइल मिलती है हमें, तो ये बहुत ही बड़ी फाइल है। पर हो सकता है मतलब इस गेम की बड़ी फाइल हो, मैंने ये गेम अभी तक चलाया नहीं है। तो इसमें हमें 6 सीटर और 10 लीचे मिल जाते हैं। तो अभी हम इस फाइल को बस यहाँ पे जो गेम पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये डाउनलोड टोरेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ये वापस वही लिंक वाला सब कुछ करने के बाद में ये भी डाउनलोडिंग स्टार्ट होता है। तो दोस्तों हमें ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि मतलब ये टोरेंट कैसे काम करता है। मैं आपको बता दूँ इसके लिए अगर हम टोरेंट को यूज़ लेना चाहें तो अगर किसी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं होती और उसे वेब सीरीज़ के देखने शो देखने हैं और उसको मतलब थिएटर में अच्छी मूवीज़ देखना है, मतलब क्लियरिटी वाली मूवीज़ देखना शौक़ है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या फिर उसका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो फिर वो टॉयलेट का यूज़ है तो ज़्यादा सही रहता है। अगर किसी के पास पैसा भी बहुत है वो फिर वो टॉयलेट का यूज़ ले तो टॉयलेट सही नहीं है। हमें मतलब जो फिल्म क्रिएटर्स है मूवी क्रिएटर उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादातर हमें टॉयलेट का यूज़ नहीं लेना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके, अगर हमारी कंडीशन सही ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो
या फिर हमें टाइम ना मिल सके थिएटर में जाके देखने का, या फिर मतलब कुछ अरेंज करने का, तो हमें टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपके आपको कोई ऐसा लगता है आपका दोस्त जहाँ पर उसको ये वीडियो को शेयर करनी चाहिए आप लोगों, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। यार मतलब किसी को ऐसे पूरा पता नहीं होता टॉयलेट है क्या, नाम सुना हुआ है, मतलब टॉयलेट नाम से लगता है बहुत तगड़ी चीज़ होगी, कोई बड़ी चीज़ होगी, यूज़ लेना बहुत प्रॉब्लम वाला काम है। तो देख लो दोस्तों, मतलब यूज़ लेना कितना ईजी काम है, मतलब जो अफवाह आती है उन सबको ख़त्म कर दो, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो। वैसे भी हम लोग गलती से फेक न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा शेयर कर ही देते हैं, तो एक अच्छी वीडियो को भी अगर आप शेयर करते हो तो आपको दुआएं मिलेगी। अगर वीडियो रियलिटी में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करते, और अगर हमारे चैनल को कोई भी सजेशन देना है या फिर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।